आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बीते हो, आज किए गए बिजनेस के सौदे फायदेमंद होने के योग बन रहे हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान दें, बिजनेस अच्छा चलेगा। घर का माहौल भी आपके लिए खुशनुमा हो सकता है और परिवार से भी मदद आपको मिल सकती है। अपने बेटे संतान से मन मुटाव के योग बन रहे हैं। कोई पुरानी बात आपका मन खराब कर सकती है। दूसरों का गुस्सा किसी अपने पर निकालने से बचें, इससे आपको कुछ ज्यादा ही नुकसान होने की संभावना है। दूसरों का काम भी आपको करना पड़ सकता है। आज आपको कुछ कामों के लिए समय नहीं मिल पाएगा। क्या करें बारम शिवाय मंत्र बोलकर शिव जी पर दूध और पानी चढ़ाएं। लव दिन शुद्ध है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। करियर काम के बोझ से आप व्यस्त हो सकते हैं, तनाव भी महसूस हो सकता है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। कुछ स्टूडेंट्स तनाव में रहेंगे। खेलकर अपनी सेहत पर ध्यान दें। मौसमी बीमारियों से भी परेशानी हो सकती है। अच्छी तरह जता सकते हैं। इंटरव्यू या रिश्ते की बात आज होती है तो आपके लिए अच्छा है। परिवार या दोस्तों के साथ कोई मामला बाकी है तो उस पर भी बात करें। गंभीरता से की गई चर्चा से कुछ खास मामले सुलझने के योग है। कार्य क्षेत्र में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने के भी योग है। निगेटिव फालतू खर्चे की स्थितियाँ बन सकती है। पुराने विवाद भी सामने आ सकते हैं। राशि वाले लोग थोड़े सावधान रहे। बिना सोचे समझे किसी से भी कोई वादा ना करे। क्या करे छत पर या घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए पीने का पानी रखे। लगाम पत्ते जीवन में मधुरता रहेगी। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। करियर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी की बात में ना आए, कोई आपको कंफ्यूज भी कर सकता। मसालेदार भोजन से तकलीफ हो सकती है। कमर के निचले हिस्सों में कोई रोग भी हो सकता है। मिथुन राशि से छोटी मोटी यात्रा और महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। कुछ खास लोग आपको और आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। आज आप अपनी बुद्धिमानी से कठिन काम भी निपटा सकते हैं। ज्यादा मेहनत वाला काम भी आपको करना पड़ सकता है। की कोई टेंशन भी दूर होने की संभावना है। आज कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। घर और ऑफिस में किए जाने वाले बदलावों से आप सहमत हो सकते हैं। निगेटिव किसी काम में संकोच ना करें। आप बोलचाल में संयम रखने की कोशिश करें। पारिवारिक कारणों से आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। परिवार के आर्थिक मामलों में मानसिक तनाव और भस हो सकती है। मेहनत ज्यादा होने के योग है। सेहत को लेकर भी सावधान रहें। महत्वपूर्ण मामलों में दोस्तों की राय लेने से बचें। क्या करें आटे के दीपक बनाकर तुलसी को लगाएं। लगाम काम ज्यादा होने के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे। इससे लव लाइफ में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। करियर सोच विचार में समय खराब करने से बचें। बिजनेस और नौकरी में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। कॉमर्स विषय से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। सेहत को लेकर सावधान रहे, छोटी छोटी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। कर ताजे दिन उम्मीद और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में होगा। लोगों से मिलने और बातें करने में आप सफल हो सकते हैं। आसपास के लोगों पर ध्यान रखें। ऑफिस में आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है। दूसरों की मदद से किए गए कामों में आप उलझ सकते हैं। परिवार के साथ मांगलिक काम हो सकते हैं। बड़े भाइयों और दोस्तों से मदद मिल सकती है। निगेटिव तनाव और चिड़चिड़ापन रहेगा। पहले से चला आ रहा कोई काम पूरा करने में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। कोई बात भी बिगड़ सकती है। दूसरों पर अपने विचार और इच्छाएं थोपने से बचना होगा। पैसों के मामलों में सावधान रहे, आलस्य और लापरवाही रहेगी। कुछ विरोधियों से नुकसान हो सकता है। वाहन से सावधान रहे, चोट भी लग सकती है। क्या करें चींटियों को आटा और शक्कर खिलाएं। लव
प्यार के मामले में कर्क राशि वाले लोग लकी हो सकते हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। करियर नौकरी पेशा लोगों का खर्चा बढ़ सकता है, सोच समझ कर निवेश करें। मेडिकल स्टूडेंट्स को पेंशन हो सकती है, पेट दर्द से भी परेशानी हो सकती है। चोट और दुर्घटना के योग बन रहे हैं, संभल कर रहे। खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़कर काम करें। बिजनेस और नौकरी के खास काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। आज आप ज्यादातर मामलों में सफल भी हो सकते हैं, किस्मत का साथ मिल सकता है। मेहनत से काम काज में आपका महत्व और सम्मान बढ़ने के योग है। पैसों की स्थिति में सुधार और उन्नति के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। पैसे कमाने की कोशिशों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसमें काफी छलफल हो सकती है, धैर्य रखें। योजनाओं में सफलता मिलने के योग है, आपकी परेशानियां भी आज खत्म हो सकती है। पैसों की स्थिति पर विचार करना होगा, लेकिन कोई साथ काम करने वाला आज परेशानी भी पैदा कर सकता है। आज आपका विवाद भी बढ़ सकता है, कोई बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। दिन का ज्यादातर समय परेशानियों से निपटने में ही निकल सकता है। थोड़ी सुस्ती और अनमनापन महसूस कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी किसी को उधार पैसा देना पड़ सकता है। क्या करें, कुत्तों को तंदूरी रोटी खिलाएं। लव पार्टनर से फंस होने के योग बन रहे हैं, आप इमोशनली हर्ट भी हो सकते हैं। आपका मूड ऑफ हो सकता है, लव लाइफ में कोई बड़ा फैसला भी लेने से बचें। करियर नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश में कमी ना करें। प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, हेल्थ सेहत के मामले में दिन सामान्य हो सकता है। मानसिक तनाव कम होगा, आलस्य रहेगा। कन्या गांजे के दोस्तों से मिलकर आपको अच्छा लगेगा, नए लोगों से मुलाकात के योग है। कई लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लोग आपसे सहानुभूति रखेंगे। आज आप बहुत संवेदनशील भी हो सकते हैं, हर बात को तथ्यों के आधार पर रखें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में बहुत हद तक सुधार होने की संभावना है, पुराने दोस्तों से मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। लेकिन आज आप भावुक होंगे तो दुखी हो सकते हैं, ज्यादा संवेदनशील होने से आपको बचना चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यवहार पर आपको अफसोस हो सकता है, आपकी योजनाएं अधूरी भी रह सकती है। ज्यादा भावुक होने के कारण आपसे कोई भूल होने की संभावना है, किसी की आलोचना ना करें। क्या करें, पीपल के पेड़ पर चंदन से स्वस्तिक बनाएं। लव लाइफ में सुधार होने के योग बन रहे हैं, पार्टनर आपकी भावनाओं का समझेगा। करियर रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं, बिजनेस के लिए दिन अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, आज आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें, खान पान पर भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। तुला राशि टिम नौकरी पेशा लोगों की स्थिति में पहले से सुधार होने के योग है, आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है। दलाली के काम करने वाले लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, आगे बढ़ने के लिए नए मौके और ऑफर मिल सकते हैं। आपके काम काज में इतनी परेशानियां नहीं रहेंगी जितनी टेंशन आप ले रहे हैं। आज आप जरूरी काम निपटा लें, किस्मत का साथ भी आपको मिल सकता है। आज आप जो करेंगे उसके बहुत रोचक नतीजे आपको मिल सकते हैं। आसपास और साथ काम करने वाले लोगों को प्रभावित करने में आप सफल हो सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी तरह सही करने की कोशिश करेंगे। करियर और निजी जीवन में उन्नति के मौके मिलने के योग बन रहे हैं, दिमाग से काम लेंगे तो सब ठीक भी हो जाएगा। ये दिन रिश्तेदारी या बिजनेस का कोई सौदा करने के लिहाज से आपके लिए दिन ठीक नहीं कहा जा सकता। किसी को उधार पैसा देने से भी बचे, कहीं पैसा बनाने की कोशिश ना करें, बड़ी प्लानिंग ना करें, अपने मन की बातें भी दूसरों से शेयर करने से बचे। क्या करें, किसी नेत्रहीन या अपंग व्यक्ति को खाना खिलाए। लव प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, लव लाइफ के लिए दिन ठीक नहीं है।
कि किसी बात से बाध्यता मूड भी खराब हो सकता है। करियर बिजनेस के लिए समय सामान्य है। कपड़ा व्यापारियों को धन लाभ होने के योग है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। एसिडिटी हो सकती है। मसालेदार भोजन से बचें। पुराने रोग या दर्द से भी परेशानी हो सकती है। आज आप सोच समझ कर फैसले लेने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अपने विचारों से दूसरों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। आपका दायरा भी बढ़ सकता है। किसी नई जगह पर भी जाने के योग है। नए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। इससे आपको ही फायदा होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही सफल हो सकते हैं। इस राशि के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। निगेटिव इंटरव्यू या मीटिंग में संभल कर बातचीत करें। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथ काम करने वाले कुछ लोग आपकी बुराई कर सकते हैं। एक साथ ज्यादा पैसा किसी को उधार ना दें। आपको आसपास के लोगों की मदद कुछ कम ही मिलेगी। जरूरी काम काज में देरी हो सकती है। क्या करें, आंवला के सिर में लगाएं। से अच्छी हो सकती है। पुरानी बातें भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करें। करियर नौकरी मिल सकती है या वर्तमान जॉब में कुछ बदलाव के योग है। निवेश करने के मामले में दिन अच्छा है। पुराने निवेश से भी आपको फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। इन वृश्चिक राशि वालों को पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा हो सकता है। जोड़ों का दर्द रहेगा। के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। आपका उत्साह बढ़ सकता है। घर और आसपास की चीजों का कंट्रोल आपके ही हाथ में हो सकता है। कोई गलतफहमी भी खत्म होने की संभावना है। पैसों के मामलों पर थोड़ा विचार करने में ही फायदा है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। इनकम, खर्चे और पैसों के हर तरह के मामले की बिल्कुल बारीकी से जांच करें। बड़े फैसले लेने के मामलों में दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ मिलकर निवेश का कोई प्रोग्राम भी बना सकते हैं। किसी कार्यक्रम में शामिल होने की प्लानिंग बना सकते हैं। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होने के योग है। निगेटिव जमीन जायदाद के कामकाज में नुकसान हो सकता है। आपको संभल कर रहना होगा। बड़ा फैसला लेने से बचें। भावुकता में कोई गलत फैसला भी आप ले सकते हैं। साथ का कोई व्यक्ति आपकी किसी बात का गलत मतलब भी निकाल सकता है। बेसन के लड्डू बांटने लाइफ के लिए समय ठीक है। पत्नी के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। साथ काम करने वाले को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो करें। करियर बिजनेस में फायदा होने के भी योग है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। एक किसी पुरानी बीमारी का इलाज बदलने का मन बन सकता है। सेहत के मामले में सावधानी रखनी होगी। निपटाने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। पैसे और कौंसले भी आज बढ़ सकते हैं। खुद को बदलने के लिए तैयार रहे। आपके बहुत से काम समय पर पूरे हो सकते हैं। कुछ नए और रोचक अनुभव आपको मिल सकते हैं। आज आप व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। उन कामों पर ध्यान दें जो किसी की मदद से ना करने। पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होने के योग है। विवादों का निपटारा करने के लिए दिन अच्छा है। नई नौकरी या बिजनेस की रूपरेखा भी आज बन सकती है जिससे आगे जाकर सब कुछ बदल सकता है। लेकिन मानसिक परेशानियां और मेहनत ज्यादा हो सकती है। पुरानी बातों को फिर से याद करने में कोई फायदा नहीं है। कोई गलतफहमी भी हो सकती है। किसी खास काम को टालने से आपका ही नुकसान होगा। परिवार में जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। क्या करें, नीम की पत्तियां खाएं। पत्नी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं लेकिन अनबन होने के योग बन रहे हैं। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है। बिजनेस में फायदा हो सकता है। आज लिए गए फैसले आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। तीर्थ माता की सेहत को लेकर भी टेंशन हो सकती है। नियमित चेकअप करवा लें। दूसरों
काम करना है या जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले। सब आसानी से निपट सकता है। आपके काम से दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार होने के योग है। आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी उत्सुकता चरम पर हो सकती है। आप कोई नई चीज भी सीखने में सफल रहेंगे। रिश्तों के मामलों में आप व्यापारिक रहे। आपके से आप घर में कुछ नए बदलाव के योग हैं, जैसे नए वाहन खरीदने के झंझट में ना पड़े। आपको थोड़े समय इंतजार करना चाहिए। जोखिम भरे काम भी संभल कर करने होंगे। चोट भी लग सकती है। आसपास या साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को आपके बारे में कोई गलत फहमी हो सकती है। क्या करें? लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल चढ़ाएं। लम लम लाइफ के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। करियर साझेदारी के बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। आज आप मेहनत करें, आने वाले समय में उसका फायदा भी आपको मिल सकता है। वृद्ध संतान को पेट दर्द से परेशानी हो सकती है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें। मीन राशि के आज आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। जो लोग आपको धोखा देना चाह रहे हैं, आज आप उनका झूठ भी समझ सकते हैं। अपनी भावनाएं जताने की कोशिश करेंगे तो प्रेमी आपके मन की बात समझ सकता है। दोस्त, प्रेमी या रिश्तेदार के साथ बिताया गया समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। किसी खास व्यक्ति की राय से आपकी लाइफ में फायदेमंद बदलाव होने की संभावना बन रही है। नेगेटिव आज आप किसी काम में अति ना करें। नौकरी या कारोबार की किसी बात को लेकर आपकी टेंशन बनी रह सकती है। आपकी कोई बात आसपास के लोगों का दिल दुखा सकती है। अपने लक्ष्य बनाए और उनको लेकर सावधान हो जाए। मेहनत भी कुछ ज्यादा करनी पड़ सकती है। साथ काम करने वाला या आसपास का कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। क्या करें? पूर्व दिशा में अशोक के पत्ते पर घी का दीपक लगाएं। लंबिन अच्छा है। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर लें। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर जल्दी ही मिल सकती है। आपके काम में समय का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इस पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। सेहत थोड़ी नरम रहेगी। नींद की कमी भी हो सकती है।